बदनावर जनपद की ग्राम पंचायत माकनी में भ्रष्टाचार चरम पर। तरनो पानी आई रो यहाँ और कहीं निकलवा की जगह को नहीं रहो, गटर बनाई रख निकाई को नहीं, पानी मार आंगन गिर रही रहो। कचरा वहां तो सरपंच साहब के घर पे खड़ा है, देख रही आपको ये मोरा हमने खुद के जेब से डलवाई हुई। सरपंच सचिव द्वारा डाला जा रहा है जनता के हक पर डाका। जो पीछे वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया हुआ था, बाकी अभी तो शौचालय का कोई काम चालू हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और क्या कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, निकलने में समस्या हो रही। सरपंच सचिव द्वारा कागजों पर हो रहा है काम, लाखों रुपए के विकास कार्य चढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार की भेंट। लाखों रुपए की सामुदायिक शौचालय बनी सिर्फ कागजों पर। हाँ शौचालय तो सबके कहानी है, शौचालय का निर्माण का काम चालू हो रहा था पीछे स्कूल के पीछे, वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया हुआ था, बाकी अभी तो शौचालय का कोई काम चालू हुआ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा इधर तो। ग्राम प्रधान की जादूगरी आई सामने, ग्लोबल इंडिया टीवी करेगा बड़ा खुलासा। पानी की कहीं भराव नहीं हो, नालियों में कहीं कचरा नहीं जमे तो उसकी साफ सफाई करना है, जैसे आप हमारी जानकारी में लाए हो तो मैं कल ही इसकी जांच करवाता हूं और जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। और इन पर कार्रवाई होगी, मैं अभी ये जानकारी निकलवा के कि इनको राशि कब दी गई थी और क्यों इनने चालू नहीं किया है, अन्यथा सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो धारा 92 में इनके खिलाफ वसूली होके और इनका प्रस्ताव जिला पंचायत में भेजा जाएगा कार्रवाई के लिए। गाँव में पसरी गंदगी से जनता है परेशान, सरपंच करता है अपनी मनमानी, ग्रामीण जनता गंदा पानी पीने के लिए है मजबूर। ग्राम पंचायत कार्यालय में लगा रहता है ताला, कुत्ते कर रहे हैं पंचायत की रखवाली। आखिर ये कैसी ग्राम पंचायत जहां काम होते हैं कागजों पर। जनता पस्त, सरपंच मस्त और अधिकारी व्यस्त, ऐसे में ग्रामीणों का कैसे होगा उद्धार। सरकार लाख दावा करे कि ग्रामीण जनता का जीवन बेहतर बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट सरपंच सचिव की मिलीभगत से ग्रामीण जनता के हक पर डाका डाला जा रहा है। कागजों पर काम करके सरकारी राशि दिन पर दिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। आप भी देखना ना भूले पूरी खबर विस्तार से कल शाम 7 बजे सिर्फ ग्लोबल इंडिया टीवी पर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर देश हित में।